नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। 25 लाख गांठ कपास खरीदने का लक्ष्य, केंद्रीय दल रिपोर्ट शीघ्र सरकार को सौंपे। सूखा पीड़ित किसानों को राहत, श्री विधि से गेहूं उगाए, रबी की प्याज लाभकारी। सरकार चालू विपणन वर्ष से 20 से 25 लाख गांठ कपास खरीद सकती है, क्योंकि देश के कई हिस्सों में कपास का मूल्य समर्थन मूल्य से अधिक है। सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कपास निगम CCI ने 2014-15 में 87 लाख गांठ कपास खरीदी। कपास का विपणन वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। CCI के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक श्री BK मिश्र ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कपास की खरीद शुरू की है। पिछले साल की तुलना में हम इस बार 20 से 25 लाख गांठ से अधिक कपास नहीं खरीदेंगे, क्योंकि बिनौले की कीमत अपेक्षाकृत बेहतर है। उन्होंने कहा कि CCI ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अभी तक 3 से 4 हजार गांठ कपास खरीदा है। महाराष्ट्र में भी कपास खरीदी होगी। उन्होंने बताया कि CCI ने देश भर में 300 से अधिक खरीदी केंद्र खोलने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करने वाले केंद्रीय दल के साथ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 4,498 करोड़ रुपए की सहायता का आग्रह किया गया है। दल अपनी रिपोर्ट शीघ्र केंद्र सरकार को सौंपे, जिससे मदद मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष कुछ जिलों में एकाएक अतिवर्षा तथा कुछ जिलों में बहुत कम बारिश और वर्षा में काफी अंतराल होने से सूखे की विचित्र स्थिति बनी है। साथ ही येलो मोज़ेक रोग से सोयाबीन की फसल खराब हुई है, इससे पैदावार बहुत कम हुई है। प्रदेश के 33,000 गांवों की लगभग 44 लाख हेक्टेयर फसल को क्षति हुई है। प्रदेश में अवर्षा से हुई फसल हानि से प्रभावित किसानों को राहत राशि उपलब्ध कराने के लिए जिलों से प्राप्त मांग के अनुसार आवंटन जारी कर दिया गया है। इसमें सूखा राहत सहित पीला मोज़ेक एवं कीट व्याधि के लिए देय सहायता राशि भी शामिल है। अब तक कुल 44 जिलों के लिए 2,474 करोड़ रुपए से अधिक राशि आवंटित की गई है। इसमें 17 जिलों के लिए सूखा राहत राशि के साथ पीला मोज़ेक एवं कीट व्याधि के लिए 383 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। श्री विधि से खेती करने पर कम बीज दर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है और उपज 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। पौधों के बीच 20 सेंटीमीटर कतार से कतार तथा 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा रखा जाता है। 2 से 3 बार खरपतवार निकासी एवं वीडर या कुदाली से की जाती है। फसल की देखभाल सामान्य गेहूं की फसल की तरह की जाती है। खेत की तैयारी सामान्य गेहूं की तरह ही करते हैं। गोबर खाद 50 क्विंटल तथा 10 क्विंटल केचुआ खाद प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में प्रयोग करें। अगर खेत में पर्याप्त नमी नहीं है तो बुआई से पहले एक बार पलेवा अवश्य करें। बीजों को 20 सेंटीमीटर की लाइन से लाइन की दूरी पर लगाया जाता है। बीज से बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसके लिए एक पतले कुदाल या देशी हल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2.5 से 3.70 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाते हैं और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बीज डालते हैं। इसके बाद मिट्टी से ढक देते हैं। जिस जगह बीज अंकुरित नहीं होता वहां 7 दिन बाद नया बीज लगा दें। बुआई के 15 दिनों के बाद एक सिंचाई देना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद से पौधों में नई जड़ें आना शुरू हो जाती हैं। सिंचाई के बाद 100 किलोग्राम यूरिया एवं 10 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट को मिलाकर प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में मिलाकर छींटे दें। सिंचाई के 2 से 3 बार जब खेत चलने लायक हो जाए तो पतले कुदाल या कोनो वीडर चलाकर मिट्टी को कतारों के बीच ढीला कर दें। खरीफ की तरह रबी में भी प्याज की खेती की जाती है, बल्कि भंडारण करने के लिए रबी की प्याज ही उपयोगी होती है। इसे लगाकर किसान भाई बेहतर लाभ कमा सकते हैं। रबी में प्याज लगाने के लिए नर्सरी लगाने का उपयुक्त समय चल ही रहा है। इसकी जातियों में अर्का कल्याण, अर्का निकेतन, अर्का प्रगति, अर्का बिंदु, अर्का पीताम्बरी, फूले सफ़ेद, पूसा रत्नार, पूसा रेड, पूसा माधवी, एग्री फाउंड लाइट रोड उधमपुर 101, CO1, CO2 आदि प्रमुख है। आज खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मध्य प्रदेश की विभिन्न मंडियों में कृषि उपज के भाव इस प्रकार हैं। मक्का बैतूल की मंडी में न्यूनतम भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1320 रुपए प्रति क्विंटल। बुरहानपुर में 940 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव।
अधिकतम भाव 1335 रुपए प्रति क्विंटल, धार में 1000 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव, अधिकतम भाव 1200 रुपए प्रति क्विंटल, इंदौर की मंडी में न्यूनतम भाव 1100 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1300 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं की फसल का आगर की मंडी में न्यूनतम भाव 1470 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1691 रुपए प्रति क्विंटल रहा, इंदौर में 1400 रुपए प्रति क्विंटल, उच्चतम भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा, खंडवा की मंडी में गेहूं का न्यूनतम भाव 1426 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1676 रुपए प्रति क्विंटल रहा, खरगोन में 1500 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव रहा, अधिकतम भाव 1729 रुपए प्रति क्विंटल, आगर की मंडी में सोयाबीन का न्यूनतम भाव 3400 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3930 रुपए प्रति क्विंटल रहा, बुरहानपुर की मंडी में 2650 रुपए सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा, अधिकतम भाव 3618 रुपए प्रति क्विंटल, इंदौर में 2800 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव, अधिकतम भाव 3950 रुपए प्रति क्विंटल रहा, खरगोन में 2402 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 3765 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 डीडी किसान पर। होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात। मत हार मान तू, है देश की शान तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। बढ़ा कदम तू वीर के जैसे, तूफान बड़े देखे ऐसे। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की।